इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 2022 के अंदर पेपर खोलने का फायदा नहीं है। 2022 के अंदर कोविड बैच की वजह से फर्स्ट वॉल्यूम आया ही नहीं था, आपको सिर्फ वॉल्यूम टू ही दिखेगा। जो आपका 2020 है वहीं से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन देखने आज हमने कुछ नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का ही, स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी से है। सेल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल स्मॉल आर, कैन सप्लाई मैक्सिमम पावर। अगर आपको याद हो मैक्सिमम पावर थ्योरम की थी हमने, और पावर मैक्सिमम तब होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। आप सर इसे हाँ जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन तो विजिबल नहीं है, एक सेकेंड। ओके अब देखो, यस सर। ठीक है ओके ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड क्वेश्चन भी उसी का है। इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी आती है वैसे, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। अब देखो रेशियो ऑफ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। ओम्स लॉ किया था हमने करंट डेंसिटी की फॉर्म में, जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई। यहां से ई अपॉन जे की रेशियो क्या आएगी, 1/सिग्मा, 1/ कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी रो। आंसर तो पॉइंट समझ में है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे रिलेट करना है इसमें। नेक्स्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज है, क्यूरीज टेम्परेचर है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, पी एन जंक्शन है, एन टाइप न्यूक्लियाई। मॉडर्न भी बहुत आती है, भरी पड़ी है मॉडर्न, वैसे बताऊँ अगर पुराने पेपर देखोगे, यंग्स एक्सपेरिमेंट, रिजॉल्विंग पावर, पोलराइजेशन, इम्पिडेंस, इम्पिडेंस, कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, ई एम आई ए सी, मॉडर्न फिजिक्स, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मॉडर्न फिजिक्स, मोबिलिटी। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का, ये रहा। फाइंड टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर। मोबिलिटी की डेफिनेशन शीट में लिखी हुई है, मोबिलिटी का फॉर्मूला भी डराइव किया हुआ है। तो मोबिलिटी को डिफाइन करना है, ऑब्टेन द रिलेशन फॉर मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आप अपनी शीट चेक करेंगे, उसके अंदर ये आपको डेरिवेशन मिलेगी, वैसे इसने किया भी हुआ है। म्यू मोबिलिटी को पहले डिफाइन कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने नाम दिया मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने निकाला था क्यू ई बाय एम इन टू टाउ, याद करो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में न्यूमिनेटर में पुट करके आंसर आ गया। फिर से दो लाइन का काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग एब्सेंट थे लास्ट टाइम। मैंने बताया था थंब रूल, पेपर कभी भी खाली नहीं छोड़ना, आपको आता हो आपको ना आता हो, कोई अन अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी आता हो उसके बारे में लिख के आना है, खाली नहीं छोड़ना। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था, स्टार्ट आपने या तो वन लाइनर से करना है या 5 मार्क्स से करना है सीधा, बीच वाले में नहीं छेड़ने, तीन दो तीन दो दो में तो बिल्कुल भी नहीं। तो स्टार्टिंग जो होगी पहले वन लाइनर में होगी, 1 1 1 एक खत्म कर देंगे, उसके बाद सीधा 5 नंबर का सेक्शन शुरू करेंगे, प्रोवाइडेड वो आता भी हो, पता लगे वो आता ही नहीं तो ऑब्वियसली 5 नंबर का जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने की, सीधे क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में छोटा छोटा ट्रिक लगा के लगाई होता है कहीं ना कहीं, तो कोशिश करें कि 5 वाले पहले खत्म हो जाएं। ठीक, उसका लॉजिक बताया था, बताऊंगा क्या लॉजिक है। और आपको डेरिवेशन नहीं आती कोई बात नहीं, डिफाइन टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो तो डेरिवेशन आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये ज्यादा आसान है उल्टा उनमें से, तो चलो ठीक हो गया। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है कन्वर्जन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर पे, आप देखना हर साल आया हुआ है। इम्पिडेंस ये एसी में करेंगे, ये ईएम वेव का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्टिक्स री ऑप्टिक्स है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, फिर से मॉडर्न है। डायपोल्स हमने लास्ट टाइम कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन था लास्ट टाइम हमने कर लिया था, ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिया था। डराइव द कंडीशंस ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, चलो बढ़िया है, सीधा व्हीट स्टोन ब्रिज आ गई, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस प्रूव हो जाएगा। और लिखना प्रॉपर है कि क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, वर्किंग, किरचॉफ लॉस की एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर। ठीक, तो
ये हेड जो बनाओगे वर्किंग कंस्ट्रक्शन, जब पेपर खत्म हो जाएगा एंड में उसको अंडरलाइन भी कर दिया करो पेंसिल से, तो है बड़ी छोटी सी बात पर नीट एंड क्लीन पेपर हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज है टू एक्सप्लेन हाउ इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सही है यहाँ तक कि कैसे मीटर ब्रिज काम करेगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन ये रिएक्टेंस का क्वेश्चन है, चलो इसी में करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आएगा, फिर मॉडर्न फिजिक्स है, हाफ लाइफ पीरियड मॉडर्न फिजिक्स है, सोलर सेल मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है अगेन, सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट है, लेंस मेकर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स वेव फ्रंट ऑप्टिक्स है, हाइगंस प्रिंसिपल ऑप्टिक्स है, डन। बस इतने की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो जहाँ तक इस पेपर के अगर हम को एनालाइज करें तो एक एक नंबर की में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फिर दो और तीन नंबर में, पांच नंबर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख रहा मैं, तो सीधा मतलब या तो शुरू में है या मिड लेवल पे आ रही है। ठीक, फिर एक काम करते हैं और पिछले पेपर पे चलते हैं, ये 2020 है, 2019 भी देखते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन द वायर बी सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स ईच हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो क्या कह रहा है कि इसमें इंटरनल स्मॉल आर है और एक्सटर्नल कैपिटल आर, कंडीशन बतानी है क्या कि सीरीज या पैरेलल में सेल्स को रखें ताकि क्या चीज सेम रहे, करंट सेम रहे, ऑब्वियसली सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। डन, बस यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है ओजोन लेयर, छोड़ दो ये तो आएगा नहीं, मॉडर्न फिजिक्स है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मॉडर्न फिजिक्स है, गॉस थ्योरम हमने पता है कर ली, स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक इफेक्ट है, ईएम वेव है, ऑप्टिक्स है, रिजॉल्विंग पावर में हर बार क्वेश्चन आता है, YDSC है, मॉडर्न फिजिक्स है, ये अब आपके आपके सिलेबस से हट गया ये सारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट। नेक्स्ट, फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर हाउ वुड द बैलेंसिंग लेंथ अफेक्टेड, पोटेंशियोमीटर है क्या सिलेबस में, अब ये तो हट ही गया, तो पहले पोटेंशियोमीटर आता था, अब तो पोटेंशियोमीटर भी नहीं आएगा। अदरवाइज ये देखो ये फैक्टर जो है ये वो पूछता था कि अगर मैं आर को बढ़ा दूँ कम कर दूँ बैलेंसिंग लेंथ को क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी इसका मतलब मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज की ही लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, और जिसको पोटेंशियोमीटर नहीं पसंद तो क्या दे रहे हैं, मीटर ब्रिज, हर साल मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज आया ही हुआ है, और इस बार पोटेंशियोमीटर नहीं है, फिर तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आने की और ओम लॉ इन वो जो करंट डेंसिटी की फॉर्म में आने की और साथ में मीटर ब्रिज के आने की, इनमें से ये क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। ठीक, तो मीटर ब्रिज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडर्न है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर मैग्नेटिक है, बाद में करेंगे इसे। मोशनल EMF हमेशा आती है, बताऊंगा EMAAC में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा आता है, प्रिज्म का फॉर्मूला, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न फिजिक्स है फिर से, बोहर्स पोस्टुलेट्स हैं, बाइंडिंग एनर्जी है, सेमीकंडक्टर है, मॉड्यूलेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, लास्ट टाइम किया था हमने ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये AC है। नेक्स्ट AC जनरेटर है, और AC जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, ऑप्टिक्स है, पोलराइजेशन है, बस इतने एक क्वेश्चन आया हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप एक पॉइंट देख रहे हो, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, कई लोग ना इमोशनल होकर तैयारी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चार चार पाँच पाँच घंटे लगाएंगे। अब मॉडर्न फिजिक्स अब देखो, ऑप्टिक्स देखो, बहुत भर भर के आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी ठीक ठाक था लास्ट टाइम देखा हमने, चार चार क्वेश्चन आए हुए इलेक्ट्रोस्टैट्स के। तो आप प्लीज़ एक बार वेटेज भी देखें, उस हिसाब से प्रिपरेशन करें, करना तो सारा ही है, CBSE में ज़्यादा कोर्स भी क्या ही है, तो आपको एक बार करना तो सारा ही है, अगर आप 90% ऊपर टारगेट करते हैं करना ही है, अभी बहुत दिन पड़े हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसमें थोड़ी सी कम आई हुई है।
18 में देखते हैं, इसमें प्रोटॉन का क्वेश्चन है, ईएम वेव का क्वेश्चन है, फोटोइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न है। ये लो, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स पी एंड क्यू हैव देयर रेजिस्टेंसेस इन द रेशियो 1:2, तो रेजिस्टेंस की रेशियो 1:2 है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द बैटरी, क्या करना है, रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन। वैसे मेरे ख्याल से पावर डिसिपेशन पे अब आज सिलेबस मेरे ख्याल से ये भी रिड्यूस हो चुका है ये, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या होगी पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन के अंदर फॉर्मूला क्या लगेगा पहले ये देख लेते हैं। तो पावर डिसिपेशन में वी स्क्वायर बाई आर लगा दो। पहले एक चीज बताओ ये किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज कनेक्टेड है, नहीं फिर एक काम करते हैं आई स्क्वायर आर भी लग सकता है, आई स्क्वायर आर ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। सीरीज में लगाओ बल्ब को, सीरीज में आई की वैल्यू रिमेन्स सेम, तो आई की वैल्यू इसमें सेम है, रेजिस्टेंस की रेशियो आपको गिवन है, तो P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R1, P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R2, डिवाइड करोगे तो आपके पास पावर की रेशियो आ जाएगी, बात खत्म। ये ज्यादा इजीएस से मुश्किल किया हुआ है, V की फॉर्म में आ जाएगा पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, क्लियर नहीं है थोड़ा सा, वैसे बता देता हूँ, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है सिंपल, जिसमें 200 वोल्ट की बैटरी है, एक 38 ओम की रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट की एक और बैटरी है, दो बैटरीज हैं इसमें कनेक्टेड। तो 10 वोल्ट सेल कनेक्टेड है पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस 38, तो ये इसकी इंटरनल है, ये इसकी इंटरनल है, दोनों सेल्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसकी इंटरनल नहीं है, R1 जीरो, इसकी R2 गिवन है, E1 पता है, E2 पता है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ये तो किरचॉफ लॉ से प्रूव कर रहा है, हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट बैटरी निकाल लेंगे, या था हमने इक्विवेलेंट बैटरी, या कुछ भी ना करें ये भी सही है, किरचॉफ लॉ ही लगा दें अगर नहीं कर सकते, तो कहीं से भी डायरेक्शन घुमा दें करंट की, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं है, लूप लगाएं, आई विल रिमेन सेम, क्योंकि बैटरी, एक बैटरी में से करंट निकला दूसरे में एंटर कर रहे हैं, तो एक ही लूप लगाने से आई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। किरचॉफ लॉ के ऊपर छोटा छोटे ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, वैसे बता दो, बहुत बड़े नहीं आते, बहुत बड़े करने की जरूरत नहीं है, और वन लाइन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अच्छा नहीं पसंद कोई बात नहीं, दूसरा चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की रेशियो दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स की गिवन है 1:2, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, फाइंड रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन। तो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा केस है, ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये वी वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब वो कह रहा है जो रेजिस्टेंसेस है उसकी रेशियो 1:2 है, तो रेजिस्टेंस की रेशियो का मतलब R1 एंड R2 की रेशियो 1:2 है, तो यानी कि इसकी रेजिस्टेंस अगर x है तो इसकी कितनी है 2x है, जैसे इसने किया सेम है, सही है। सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन दीज बल्ब्स। तो क्या किया आपने, इसमें पहले करंट निकालो ना, करंट क्या होगा वी अपॉन R1 प्लस R2, फिर आई स्क्वायर R1, आई स्क्वायर R2, आई ऐसे सेम नहीं होगा, आई वी अपॉन R1 प्लस R2 लेना पड़ेगा तब आएगा, तभी उसने वी वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें। अच्छा इसमें पोटेंशियोमीटर का चॉइस दिया हुआ है, आपको मीटर बीच का आना चाहिए मेरे को लगता है। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स है, कैरियर वेव मॉडर्न फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटालिक वायर को डिफाइन करो, ऐसे यूनिट्स के हैं, आसान है, सही है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी इन अ वायर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, हेंस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन में क्या आएगा, ओम लॉ जो हमने किया था, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में कंडक्टिविटी, तो ये सारे का सारा कंडक्टिविटी के साथ ओम लॉ प्रूव करने, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया ओम लॉ प्रूव करने का, सीधा भी बोल सकता था ओम लॉ, लेकिन देखो कैसे कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी। तो आपने एक और चीज नोट की, पिछले पेपर के अंदर भी ओम लॉ का क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर पूछा गया था और इसके अंदर पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ओम लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, डेरिवेशन करके जानी है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन रिपीटेशन में मिल रहा है। मैग्नेटिक अफेक्ट है, मैग्नेटिक है, प्रिज्म है, ऑप्टिक्स है, फिर से ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, बोअर्स मॉडर्न है, मॉडर्न पीएन जंक्शन रेक्टिफायर आया हुआ है,
इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, चलो ट्रांजिस्टर तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, लास्ट टाइम किया था हमने, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, मोशनल ईएमएफ, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, एसी का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स है, अगेन ऑप्टिक्स है। जब मैं ये पढ़ता हूँ ना, मैं जान के पढ़ता हूँ, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न है, मॉडर्न है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, तो आप चैप्टर के नाम देख रहे हो बार बार जो रिपीट हो रहे हैं, आपको ये पता लगना चाहिए कि ऑप्टिक्स बहुत आ रहा है, मॉडर्न बहुत आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी ठीक ठीक आ रहा है, पर इलेक्ट्रिसिटी का नाम बहुत ज़्यादा ज़्यादा आता नहीं है, तो उसकी वेटेज उसके हिसाब से ही है, ठीक है, तो माइंड में रखना है आपने, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पे थी, अच्छा अभी देख लेता हूँ, कोई और पेपर उठा लेते हैं, 2017 उठा लेते हैं, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट आईज पास थ्रू देम, विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, अब पहले याद करेंगे नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बड़ी होती है, किसी को ना पता हो तो नाइक्रोम की बड़ी होती है, अगर जिसकी बड़ी होती है उसकी हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, उसकी पावर डिसिपेशन भी ज्यादा होगी, ठीक है, एक नंबर में है। नेक्स्ट है, तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन ईएम वेव्स का है, डेविएशन प्रिज्म ऑप्टिक्स है, मॉडर्न है, ये एस ईएमआई का क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है ईएम वेव्स है, यार ईएम वेव भी बीच बीच में फ्लक्चुएट होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में, एक एक नंबर में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक है, नेक्स्ट मॉडर्न है, एटम न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज ऑल्टर्ड सो दैट द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 9, बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। वो क्या कह रहा है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा दो क्वेश्चन है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रेजिस्टर इज ऑल्टर्ड, तो एक रेजिस्टर लिया उसका वी हमने चेंज किया, सो दैट द हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, ये हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड क्या होती है, पावर, हीट बाय टाइम इज पावर, तो पावर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9, तो यानी कि पावर पहले जो जितनी भी P1 थी अब P2 है, P2 और P1 का रेशियो क्या है 9, ये देखो H2 बाय H1 का रेशियो क्या है 9, या P2 बाय P1 का रेशियो क्या है 9, जो पावर का रेशियो है वही हीट का रेशियो है, तो कितना आ गया 9। अब होता क्या है, V1 स्क्वायर बाय R1, V2 स्क्वायर बाय R2, तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, R तो एक ही है, इसमें दो रेजिस्टेंस तो है भी नहीं, बाय व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, तो रेजिस्टर एक है R, तो मान लो एक रेजिस्टर R में हीट पहले H है, फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R, यानी कि H1 है V1 स्क्वायर बाय R, फिर मैंने V1 को V2 कर दिया तो हीट H1 से H2 हो गई, R रिमेनिंग द सेम, तो हीट की रेशियो आ गई, हीट की रेशियो पावर की रेशियो 9 गिवन है, यहां से सॉल्व करके V की रेशियो आ गई, डन। आसान है, आपने की नोट की, पहले भी हीट का क्वेश्चन आया पावर का, अब भी पावर और हीट का क्वेश्चन आ रहा है, बल्ब सीरीज में, बल्ब पैरेलल में, एक एक नंबर का आ रहा है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन गिवन है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम की इंटरनल है और 4 ओम की एक्सटर्नल है, और वी वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, क्या निकालना है, वोल्ट मीटर और एम मीटर रीडिंग, कितना आसान है, इसमें वोल्टेज टोटल वी बाई टोटल आर आई दे देगा, और यहां पर क्या आंसर आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई इन टू स्मॉल आर आंसर, तो इसने इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ठीक है यहां तक, तो सिंपल न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है ये तो आएगा नहीं, उसमें रेक्टिफायर, रेक्टिफायर तो आएगा, फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट आइंस्टाइन मॉडर्न है, मोनोक्रोमेटिक वेव्स ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्शन ईएमआई एसी है, ये आएगा नहीं। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स है, लास्ट टाइम कर लिया था, एक केस स्टडी तो आनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ईएमआई एसी का क्वेश्चन है, एसी जनरेटर, मैंने एक चीज़ नोट की है, एसी जनरेटर मैंने तीनों पेपर खोले हैं ना, तीनों में एसी जनरेटर है, और पिछले साल तो वॉल्यूम वन आया नहीं, तो इस साल एसी जनरेटर आने की प्रोबेबिलिटी है, अलोंग विद ट्रांसफार्मर, भूलना नहीं ट्रांसफार्मर नाम की चीज भी है,
तो दोनों में से एक पक्का आएगा ही आएगा, राइट? तो हॉरिजॉन्टल रॉड नीचे गिर रही है, एरोप्लेन चल रहा है, रॉड नीचे गिर रही है, आप फ्रेम को खींच रहे हो, मोशनल ईएमएफ का क्वेश्चन आने ही आने है, बीएलवी पक्का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन तो बोर्ड के मैं आपको अभी के अभी बता ही सकता हूं, अगर पूरा सिलेबस को देखा जाए। मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो, गॉस थ्योरम का 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का, गॉस थ्योरम हो गया, डायपोल या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो लास्ट टाइम की थी उनमें से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स का। फिर उसके बाद आप आ जाओ इसमें जो जो अभी चैप्टर, इसके बाद मैग्नेटिक, मैग्नेटिक अभी हमने किया नहीं, पर अगर मोटा मोटा देखें तो एसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर में से एक पक्का आएगा। सेमीकंडक्टर में से डायोड के ऊपर जो हमने किए और उसके अंदर रेक्टिफायर और पीएन जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात करते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ऑप्टिक्स के अंदर तो श्योर शॉट वाईडीएससी आएगा ही आएगा, वाईडीएससी के साथ री ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप ने आना ही आना है, मोशनल ईएमएफ आनी आनी है, एसी वो करंट आगे वोल्टेज पीछे, याद है वो करते थे प्रूव करना, इंडक्टर ओनली, उसमें इंडक्टर ओनली कैपेसिटर, पक्का आएगा ही आएगा। मतलब इतने क्वेश्चंस ऐसे बने हुए हैं जो अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर को एक बार रिव्यू कर लो आपको पता लग जाएगा क्या आएगा। तो जब भी आप चैप्टर की तैयारी करें, मान लो इलेक्ट्रोस्टैट्स की, आप प्लीज इन पेपर्स को तो पक्का ही देख के जाएं, नहीं तो वहां पर पैनिक मोड में चले जाओगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि पेपर ऐसा आएगा आएगा ऐसा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट है वो प्लीज इसे करके जाए, और अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे तो एक काम करें, टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट की हमने, आज पहला टेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, ये टेस्ट थोड़े से मॉडरेट लेवल पे हैं, नॉर्मल लेवल पे हैं, इससे पिछली जो टेस्ट सीरीज थी वो थोड़ी ठीक लेवल पे थी। उसके अंदर मैंने क्या किया, पिछले 10 साल के पेपर देख रहे हो सारे, मैंने वही डाल दिए सारे, कोई अपना क्वेश्चन बना के डाला ही नहीं। तो अगर आप 10 ईयर करना चाहते हो तो पिछले टेस्ट तो मुझसे ले ही जाओ, वो तो आपके 10 ईयर का पूरा एक 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 क्वेश्चन ठीक कर देगा, पर बात ही खत्म हो गई। तो इससे बढ़िया तरीका क्या मिलेगा, तो वो उन क्वेश्चन को तो करके ही जाना है, और ये क्वेश्चन भी करने हैं और ये भी करने हैं, बात ही खत्म। और सैम्पल पर जो कर सकते हो मैक्सिमम करो, कोर्स तो आपने थरो करना ही है, समझ में आ रहा है? तो ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ कि ये चीज़ें करने से आपको फायदा होगा। ये ना सोचें वो टेस्ट निकल गया निकल गया, वो टेस्ट बढ़िया टेस्ट थे। तो जिन्होंने दिए हैं, कितने लोगों ने दिए हैं, हाँ तो उसके अंदर कुछ टफ टेस्ट भी थे, वो टफ मैंने नहीं बनाए, वो सीबीएसई वालों का ही टफ क्वेश्चन आया हुआ होगा, उसको जरूर करके जाना चाहिए आपको, ठीक है? देखो ऐसा है, पिछली टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट अलग था, आज PYQ भी है 10, फॉर्मेट अलग है, ठीक है? तो अगर आप आज का टेस्ट देना चाहते हैं, पिछला भी देना चाहते हैं, ऐसा कर लें, नहीं तो पिछले क्वेश्चन की असाइनमेंट की फॉर्म में तो उसको कर ही लें, कि क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना टाइम भी नहीं है दो दो टेस्ट देने का, दे सकता है दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एज एन असाइनमेंट तो उसको कर ही लें पक्का, ठीक है? मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दूंगा आपको उसका प्रिंट आउट करके, अभी लगा देता हूँ प्रिंटिंग, तो आप उसको जरूर कर लें, ठीक है? तो वेव फ्रंट ऑप्टिक्स है, अगेन ऑप्टिक्स है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मॉडर्न है, रे डायग्राम है, टेलीस्कोप है मॉडर्न है। आप एक चीज देखो यार, इसके अंदर तो मैं बोल ही एक चीज रहा हूँ, मॉडर्न है ऑप्टिक्स है, मॉडर्न है ऑप्टिक्स है, तो मॉडर्न ऑप्टिक्स तो खूब भर के आई हुई है। तो इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन अ गिवन डायग्राम चेक करो प्लीज। अच्छा डायोड का है ये, नहीं ये नहीं डायोड का है, मैग्नेटिक है ये। वाई डज करंट इन अ स्टेडी स्टेट नॉट फ्लो इन अ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी? कैपेसिटर का क्वेश्चन है वैसे, कि करंट क्यों नहीं उसमें से फ्लो करता स्टेडी स्टेट में, कांस्टेंट करंट को कैपेसिटर डीसी करंट को पास होने नहीं देता, ठीक है? हाउएवर थोड़ा सा करंट जब चेंज होता है तो वो पास होने देता है, तो हमने किया था। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू DQ/DT, क्यू क्योंकि चेंज हो रहा है तो आई होगा, अगर क्यू चेंज नहीं होगा कांस्टेंट हो जाएगा तो आई जीरो हो जाएगा, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्लेन। अगेन मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है और सेमीकंडक्टर है। तो आई होप इन 4 पुराने पेपर्स को अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर पेपर की, जरूर करने चाहिए।
चार पाँच साल के पेपर अगर नहीं करके उतरे, आपका बोर्ड का पेपर बढ़िया नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। आप कुछ भी अपने तरफ से करके जाएंगे, पेपर का फॉर्मेट अलग तरीके का है। थॉरो तैयारी करनी है, बहुत बड़े बड़े मुश्किल क्वेश्चंस शायद नहीं आएंगे, पर आप प्लीज़ अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, थ्योरी का कोई पार्ट ना छोड़ें, और प्लीज़ टेस्ट कोई ना छोड़ें। तीन तीन घंटे के टेस्ट जितने देंगे उतने ही आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। तो तीन तीन घंटे के एंड में जो टेस्ट हैं, तीन टेस्ट हैं, किसी को चौथा पाँचवा चाहिए मैं वो भी दे दूंगा। कम से कम तीन चार टेस्ट, मॉक टेस्ट दे के ही उतरना है, तो ही आपका पेपर बढ़िया होगा। ठीक है, मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इतने।